गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय शर्मा आपका वेलकम करता हूँ स्टॉक ट्रेडिंग इज सिंपल बट नॉट ईजी वीडियो में। कि जो स्टॉक ट्रेडिंग है उसको समझना तो सरल है, परंतु इसमें से प्रॉफिट लेना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस टॉपिक में आएँ, मैं आपके साथ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि जो सफल लोग हैं, सफल लोगों की किसी भी फील्ड में क्या परसेंटेज है। हम यूपीएससी एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की, दोस्तों उसमें जो लोग सारे टोटल लोग जो अप्लाई करते हैं उनके 0.02% सक्सेसफुल होते हैं। मैं खाली आईएएस आईपीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया एंड एलाइड सर्विसेज सबको इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ कि सफल रेट, सक्सेस रेट इज़ ओनली 0.2%। जो सक्सेसफुल सीएज़ होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स, उनका 11% है सक्सेस रेट। आईआईटी में जो लोग अप्लाई करते हैं आईआईटी जेईई में, उनका 6.9% सक्सेस रेट है। 6.9% को कोई ना कोई फील्ड मिलती है आईआईटी में। अगर हम नीट यूजी एमबीबीएस एंट्रेंस की बात करें तो उसमें सक्सेस रेट है 4.5% जिनको सीट्स मिल जाती हैं एमबीबीएस में। तो ये तो कुछ वो फील्ड्स और एग्ज़ाम्स हैं जिसके बारे में जनरली सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। दोस्तों, मैं आपके अब बात करता हूँ स्टॉक मार्केट की। आज की डेट में तकरीबन 11 करोड़ डीमैट अकाउंट भारत में खुले हुए हैं। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उनमें से जो 75% प्रॉफिट है वो सिर्फ टॉप के 5% लोग ले रहे हैं, और 51% अगर प्रॉफिट की बात करता हूं तो टॉप के 1%, मतलब टॉप 1% लोग 51% प्रॉफिट कमा रहे हैं, और टॉप के अगर 5% ले लें जिसमें वो 1% भी हैं, वो 75% प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो बचा इसमें से 25% प्रॉफिट, वो बाकी 95% लोग ले रहे हैं। उसमें से कुछ को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा, कुछ का सिर्फ खर्चा ही निकल रहा होगा। और दोस्तों, जो लॉस मेकर्स हैं, वो जो उनका नेट ट्रेडिंग लॉस होता है उसमें से 28%, मतलब जितना टोटल लॉस उनका हुआ, जो लॉस मेकर्स हैं, मतलब 94% आर लूजिंग मनी, वो जितना पैसा लूज़ कर रहे हैं उस पैसे में 28% तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट्स ही हैं। ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। अब देखो, हमने देखा था कि 5% लोग ही पैसा कमा रहे हैं, और यही परसेंटेज है बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, स्टॉक ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अगर आप पढ़ोगे वर्ल्ड लेवल पे, ऐसे ऐसे ट्रेडर्स हुए हैं जिन्होंने कंट्री टू कंट्री के फाइनेंसिस तक को अपने कंट्रोल में रखा है, और इतने बड़े हैं वो जिनका कि खुद का जो AUM होता है वो कुछ कंट्रीज़ के GDP से भी बड़ा है। तो दोस्तों, आज मैंने एक छोटा वीडियो बनाने का प्लान किया है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो स्टॉक ट्रेडिंग है वो सिंपल लगती है, पर इतनी सिंपल क्यों नहीं है। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और छोटी सी वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है साइकोलॉजिकल वारफेयर। जो ट्रेडिंग है वो बेसिकली एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के समान होता है, जो आपका मनोविज्ञान और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मनोविज्ञान है उसके बीच में एक लड़ाई होती है, और वो लड़ाई आपने जीतनी होती है। स्टॉक ट्रेडिंग में हम नंबर्स का तो ध्यान रखते ही हैं, जैसे कि अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो उसमें जो ऑप्शन ग्रीक्स है वो नंबर्स ही होते हैं जो रिस्क फैक्टर्स बताते हैं। उसके अलावा प्रीमियम प्राइस और प्राइस एक्शन, ये सब चीज़ें देखते हैं, इसको हम बोलते हैं नंबर्स का तो ध्यान रखना पड़ता है। ट्रेंड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट ट्रेंड क्या है, और मार्केट ट्रेंड के लिए चार्ट्स देखते हैं, बहुत तरह के इंडिकेटर्स देखते हैं, जिसका जैसा एक्सपीरियंस है वो उस चीज़ को करता है एनालाइज। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट को भी नेविगेट करना होता है, क्योंकि हमारे खुद के साइकोलॉजिकल ग्रीड, फियर, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें हैं जिसको हमें मैनेज करना पड़ता है ट्रेडिंग के साथ साथ। ट्रेडिंग के दौरान हम मार्केट की साइकोलॉजी, कंबाइंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी, बुल्स और बियर्स की फाइट,
और साथ में अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर होता है कि हम अपनी साइकी को कैसे मैनेज करते हैं। 30-40% जो ट्रेडर हैं वो अपनी साइकी को ही मैनेज नहीं कर पाते और इस अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अर्ली छोड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, वीर भोग्य वसुंधरा, यानी कि सफलता दिलेर आदमी की होती है। स्टॉक ट्रेडिंग में दिलेरी क्या? स्टॉक ट्रेडिंग में दिलेरी है उसको समझना, अपनी साइकी को समझना, मार्केट ट्रेंड को समझना, सारी एनालिसिस को समझना और फिर समझ करके एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में करके फिर ट्रेड करना। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है मार्केट वॉलेटिलिटी, यानी कि मार्केट का उतार चढ़ाव। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस देश की या ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस और बहुत तरह के डाटा जैसे कि जीडीपी का रेट, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, इन्फ्लेशन, फिस्कल डिफिसिट, यूएसडी आईएनआर रेट, इंडियन मार्केट की हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसीज एटसेट्रा, और जो लिस्टेड कंपनी हैं उनके उनसे रिलेटेड फैक्टर्स जैसे कि उनका क्वार्टरली एनुअली रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उनके बहुत सारे जो रेशोज होते हैं वो, और कंपनी की अपनी तरफ से गाइडेंसेस, उनका पैट, उनका एबिटा, ये सारे कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो उसके काम करते हैं। उसके अलावा ग्लोबल फैक्टर्स जैसे कि वॉर, ऑयल का रेट, वर्ल्ड लेवल पे बैंकिंग सेक्टर्स में क्या चल रहा है, एफआईआईज क्या कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स। उसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इलेक्शन रिजल्ट्स और बहुत तरह की न्यूज़, इन सब चीज़ों से इन्वेस्टर और ट्रेडर के सेंटीमेंट्स बनते हैं, जो सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सेंटीमेंट्स बनते हैं, जो कि मार्केट को डायनेमिक बनाते हैं। हर ट्रेडर का इससे सामना मार्केट वॉलेटिलिटी के रूप में होता ही है। इसलिए सफल ट्रेडर बनने के लिए बहुत ही केयरफुल एनालिसिस, टाइमिंग और डिसीजन मेकिंग जो स्किल होती हैं, मतलब हमने कैसे डिसीजन लेना है टाइमिंग के लिए, वो डेवलप करनी पड़ती हैं, जिसमें समय और बहुत लर्निंग लगती है। और ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, इट इज़ ए प्रॉपर बिजनेस, और प्रॉपर बिजनेस होगा तो उसमें स्किल इन्वॉल्व होगी, और स्किल डेवलप करना 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने का काम नहीं है, इट इज़ ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस। बहुत सारे बहुत पुराने पुराने जिनको 15-15-20-20 साल हो गए, वो लोग आज भी लड़ते हैं इस सिस्टम मार्केट वॉलेटिलिटी से, प्लस बहुत पढ़ते रहते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए। आपको पता होगा वर्ल्ड फेमस जो वॉरेन बफे हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, वो अभी भी इतनी उम्र में भी दिन में कई कई घंटे पढ़ते हैं। सो स्टडी, रीडिंग, लर्निंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल टू डेवलप एज ए गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दोस्तों, तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टाइमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। सक्सेसफुल ट्रेडिंग डिपेंड्स अपॉन प्रिसाइज टाइमिंग। ये समझ डेवलप करने में टाइम लगता है कि कब हमने ट्रेड में एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। जो स्किल सेट डेवलप करनी पड़ती हैं वो है टेक्निकल एनालिसिस, अपने चार्ट और इंडिकेटर्स पर भरोसा करना, और अपने चार्ट और इंडिकेटर्स पर भरोसा तब होता है जब हमने उनको दसियों हजार बार उनके बेस पे ट्रेड किए हैं, चाहे प्रॉफिट हुए हैं चाहे लॉस हुआ है। पर हम सिस्टम से जब ट्रेड करते हैं तो हमारे लॉसेस कम होते हैं, प्रॉफिट की पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। फिर जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में रहते हैं तो हमारा एक मार्केट इंट्यूशन डेवलप होता है। आप जब चार्ट्स को देखते हो तो आपको पता लगता है बुल्स एंड बियर्स में फाइट हो रही है, और आप एक अपनी साइकी से उनका जवाब तैयार कर लेते हो। इसके अलावा थोड़ी सी किस्मत भी चाहिए होती है प्रॉफिटेबल बनने के लिए। ट्रेड के मौके को समझ करके एंटर करना और एग्ज़िट करना और उसका टाइमिंग करना कि कब मैंने एंटर करना है कब एग्ज़िट करना है, वो देखने में बहुत सिंपल लगता है, पर जब तक हमारे पास में एक अच्छी खासी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडिंग स्टाइल या स्ट्रेटजी नहीं होगा तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें से प्रॉफिट लेना। क्योंकि ये बड़ा सिंपल लगता है
कि बेसिकली ट्रेडिंग का एक सिंपल रूल है कि जहाँ से मिलती है वहाँ से चीज़ सस्ती खरीदो और महंगी बेचो, तो बीच का जो प्रॉफिट है वो आपका आ जाएगा। अब शेयर मार्केट में हम कैसे पता करें कि कब टाइम सस्ता हुआ है कब महंगा हुआ है, क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंटली डायनेमिक चीज़ है, तो उसकी टाइमिंग करने के लिए हमें अपने आप को एज ए ट्रेडर डेवलप करना पड़ता है। दोस्तों चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है द आर्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिस्क इज़ इनहेरेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, इसलिए इसको इफ़ेक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, बहुत एक्टिवली इसको मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए घंटों महीनों साल की तपस्या लगती है, तब कहीं जाकर एक सफल ट्रेडर बनता है जिसमें जिसका कि लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। जितना भी कोई भी जितना मर्जी सफल ट्रेडर हो, लॉसेस तो होते ही हैं और उन लॉसेस को हमें मिनिमम रखना होता है और प्रॉफिट को हमने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होता है। इसलिए ट्रेडिंग साधना में सफलता के लिए हमें पूरे फोकस के साथ में सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए और अपनी एक स्किल को डेवलप करते रहना चाहिए। पॉइंट है यूनिक ट्रेडिंग स्टाइल। हर ट्रेडर अपनी पर्सनालिटी, अपनी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी और एक्सपीरियंस के बेस पे अपना ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करता है। चाहे आप स्काल्पर हो, चाहे डे ट्रेडर हो, चाहे स्विंग ट्रेडर हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, स्काल्पर भी बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं जो अपने अपने डिफरेंट स्टाइल से अपने लिए प्रॉफिट अर्न करते हैं। और दोस्तों सबको अपना एक नया स्टाइल डेवलप करना ही पड़ता है सफल होने के लिए, और ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। जब आप किसी चीज़ को बार बार करते हो तब आपको खुद समझ में आता है कि आपकी पर्सनालिटी को क्या चीज़ सूट करती है, आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। आपको किसी ने कोई स्ट्रेटजी बताई, आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखो, बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको उस तरह से मैनेज करना, लेकिन आप कुछ टाइम तक कुछ चीज़ों को करोगे समझ करके, आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए क्या चीज़ काम करती है और क्या नहीं करती है, और जो जो नहीं करती है उनको आपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में से बाहर करना, और जो चीज़ आपके लिए काम कर रही है कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करके उनको और फूल प्रूफ करना है, जिससे कि आपका रिस्क भी मैनेज रहे, लॉसेस भी कम हो और प्रॉफिट बढ़ता चला जाए। दोस्तों लास्ट पॉइंट है अडेप्टिंग टू मार्केट डायनेमिक्स। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत डायनेमिक होते हैं, मतलब वो हमेशा बदलते रहते हैं क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई चीज़ चेंज हो रही है। इसलिए हमेशा न्यू टेक्निक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स के साथ बने रहने के लिए जो डे टू डे बेसिस पर हमें इनको समझकर अपने स्टाइल में थोड़ी थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करते रहना पड़ता है। हमारा ट्रेडिंग स्टाइल एक ही होता है नॉर्मली, हम उसी ट्रेडिंग स्टाइल में फाइन ट्यूनिंग करते हैं कि डेली बेसिस पे जो मार्केट है वो डिफरेंट होती है, जैसे कल मार्केट रही है वैसी ही आज हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, और वो रिपीट करेगी कि नहीं करेगी ये हमें कुछ नहीं पता होता। हमने एक स्टाइल और एक सिस्टम डेवलप करना होता है मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से, उसके अंदर फाइन ट्यूनिंग करते हैं, क्योंकि सवेरे जब मार्केट ओपन होती है, जब चलना शुरू होती है, हम ग्लोबल मार्केट चेक करते हैं, हम इंडिया वीक्स चेक करते हैं, हम SGX चेक करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर्स को चेक करके, और कोई न्यूज़ आती है न्यूज़ को एनालाइज करते हैं, और हमें थोड़ा सा आइडिया हम बना के चलते हैं कि आज मार्केट में इन कारणों से ये हो सकता है, और ये हमारे नोट में हमारे जर्नल में हम लिख लेते हैं। जब हम डेली बेसिस पे ये चीज़ बनाएंगे, अपना एक व्यू बनाएंगे, और उसके बाद में हम चार्ट्स देखते हैं, चार्ट के पैटर्न एनालाइज करते हैं, अपने इंडिकेटर्स देखते हैं, इंडिकेटर्स को एनालाइज करते हैं, एक हम पॉइंट ऑफ व्यू बना के चलते हैं, और हमें ट्रेडिंग से पहले ये पता होना चाहिए कि मार्केट आज ऐसे करेगी तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेगी तो ऐसे करेंगे। इसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। हम एक ही दवाई हर बीमारी के इलाज के लिए नहीं दे सकते, उसके लिए होता क्या है, हमें हमेशा सीखना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हम फिक्स्ड आइडिया लेकर के, एक ही आइडिया को लेकर के हर तरह के मार्केट कंडीशन में नहीं डाल सकते हैं, और उसके बाद ही हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं इस इवॉल्विंग मार्केट लैंडस्केप के साथ साथ। दोस्तों अंत में याद रखिए कि स्टॉक ट्रेडिंग एक मल्टीफेसेटेड फील्ड है। ये यूनिक पर्सपेक्टिव उन ट्रेडिंग रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हाईलाइट करता है जो ट्रेडर फेस करते हैं
जो इस सिंपल सी लगने वाली प्रोसेस को नॉट सो इजी बनाते हैं, जो डिफ़िकल्ट बना देते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए, इन सब बातों को कहने का मतलब ये है, आपको ट्रेडिंग की जानकारी होनी चाहिए, आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। जो वीकेंड्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं सीखने के लिए, जो सीखा है लर्न करने के लिए, जो पूरे हफ्ते में ट्रेड किया है हमने उस ट्रेडिंग में हमने क्या गलतियाँ की हैं, क्या आपने कुछ प्रॉफिट्स कमाए हैं तो प्रॉफिट्स किन कंडीशंस में कमाए हैं, लॉसेस किन कंडीशंस में हुए, हम उसमें क्या चीज़ इम्प्रोवाइज कर सकते थे जो हमने नहीं किया, वो सब चीज़ें नोट डाउन करो और नोट डाउन करके उसको हम अपने लाइफस्टाइल में, हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल में उसको इनकलकेट करें, ताकि आगे से जब भी ये गलतियाँ हमारी, हम बार बार हाईलाइट जो करेंगे उनको कम से कम करते चले जाएँ, ताकि जब गलतियाँ कम होंगी तो प्रॉफिटेबल ट्रेड हमसे ज़्यादा डलेंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमें देखने में ट्रेडिंग बहुत सिंपल लगती है कि बाय किया सेल कर दिया, बट जो डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो उसमें से प्रॉफिट और लॉस आता है, इट इज़ नॉट ईजी। दोस्तों, इसके साथ मैं ये वीडियो का एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।